फाइब्रॉइड्स, जिसको हम वोम स्टोन भी कहते हैं, बच्चेदानी की रसौली कहते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किस चीजों से पता चलता है कि ये आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकते हैं। नंबर एक, अगर आपके पीरियड में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, इसमें गांठें आती हैं या लंबे समय तक पीरियड चलता है, तो ये फाइब्रॉइड्स का कारण हो सकते हैं। सेकंड, अगर पीरियड के टाइम पेन होता है, दर्द होता है, तो भी ये फाइब्रॉइड के कारण हो सकता है। तीसरा, अगर इररेगुलर पीरियड है या आपको पीरियड के महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होती है, तो भी ये फाइब्रॉइड के कारण हो सकता है। कुछ फाइब्रॉइड बड़े होकर पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द करते हैं, सो लोअर एब्डोमिनल पेन भी फाइब्रॉइड के कारण हो सकते हैं। कुछ फाइब्रॉइड इंटेस्टाइन्स को, आंत को प्रेस करते हैं, तो ये कब्जी या कॉन्स्टिपेशन भी कर सकते हैं। कुछ फाइब्रॉइड आगे को यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालकर यूरिन का फ्लो रोक देते हैं, तो कई बार यूरिन जो है रुक रुक कर आता है या यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, तो भी ये बड़े फाइब्रॉइड की निशानी हो सकती है। और अगर इंटरकोर्स के टाइम कई बार फाइब्रॉइड पेन करते हैं, या फिर अगर फाइब्रॉइड अंदर तक हो, जिसे हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये वजाइनल डिस्चार्ज, पानी पड़ने की भी जो है सिम्टम को कर सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हैं, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड जो है बच्चेदानी का करवाना चाहिए, जिससे पता चले कि आपके बच्चेदानी में कोई रसौली है या नहीं।